हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसी का नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें परमानेंट वैकेंसी आई है, साथ में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी वैकेंसी है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, TGT, PGT, इसके अलावा जो है LDC, अकाउंटेंट, और भी जो है कई पोस्ट है जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है 40 ईयर तक के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उम्र सीमा में यहाँ पर छूट मिलेगी। सैलरी जो है काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो चलिए देख लेते हैं। बिना समय गवाए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है बिल्कुल रियल होती है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप लोगों को बताया जाता है। यहाँ पर जो है जैसे ही आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़, इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो नोटिस में आपको यहाँ दिखेगा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। और इसके बाद जो है एक और जो है विज्ञापन इसी के आगे आएगा, थोड़ा सा जो है वेट करेंगे। तो ये देखिए, एक ये आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और दूसरा जो नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स रेगुलर बेसिस, ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक कर लेंगे। तो एक एक करके दोनों ही नोटिफिकेशन चेक करेंगे। सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स की रेगुलर बेस पर जो वैकेंसी है उसे हम देख लेते हैं। इसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या कही गई है, तो यहाँ पर जो है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या फिर मास्टर डिग्री आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, साथ में आपने बीएड किया है या आप एमएड हैं या आपने बीएलएड किया है या 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि कहीं पढ़ा रहे होते हैं 5 साल का, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्राइमरी में ही एक्सपीरियंस है प्राइमरी टीचर्स का, तो आप इतनी अच्छी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट है बिल्कुल रेगुलर बेस पर है, ठीक है, और सैलरी जो है इसमें काफ़ी अधिक आप लोगों को मिलने वाली है। आप मान सकते हैं कि 55,000 60,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। उम्र सीमा भी जो है काफ़ी सही है, मैक्सिमम 55 ईयर। और अगर कोई एक्स सर्विस मैन है या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल में ही पहले से ही पढ़ा रहा है तो उसकी उम्र जो है 2 साल अधिक 57 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए CTET या OST, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि आर्मी स्कूल AWS के द्वारा जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक स्कोर कार्ड होता है। अच्छा, इसके बाद जो है इसमें लास्ट डेट जो है वो 26 अगस्त 2024 है। आप बाय हैंड या बाय पोस्ट जो है भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप लोगों को सबसे नीचे यहाँ पर क्लिक टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको मिल जाएगा। ये केवल एप्लीकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की पोस्ट के लिए है, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो इनको ईमेल या फ़ोन के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल या ईमेल जो है आएगा, ठीक है। कोई परीक्षा नहीं है, केवल इंटरव्यू रहेगा। तो इतनी अच्छी पोस्ट है, जो भी कैंडिडेट सीटेट क्लियर किए हुए हैं, OST स्कोर कार्ड है जिनके पास और 5 से 7 या 8 साल का अनुभव है तो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पास जो है 10-10 सालों का जो है टीचिंग एक्सपीरियंस रहता है। तो ये रेगुलर बेस पर वैकेंसी थी, इसकी हमने जो है कंप्लीट जानकारी ले ली है। अब हम जो है दूसरा देख लेते हैं जो कि प्री प्राइमरी, TGT, PGT, PRT की सभी की है और फाउंडेशन विंग के लिए। तो इसमें PGT फिजिक्स में वैकेंसी है, TGT संस्कृत और हिंदी के लिए है, PRT सभी विषयों में वैकेंसी है, PRT फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी है। तो यहाँ पर 2 वैकेंसी जो है, एक संस्कृत और एक हिंदी के लिए, ओनली टू क्रिएट रिजर्व पूल। तो शायद एक टीचर के साथ में जो है एक और टीचर जो उनकी जो है सहायता कर सके, उनके साथ जो है बच्चों को देख सके। उसके बाद जो है नॉन टीचिंग स्टाफ में LDC सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। फाउंडेशन विंग के लिए प्री प्राइमरी टीचर्स में सब्जेक्ट के लिए 2 टीचर की वैकेंसी है और एक्टिविटी टीचर्स में 2 वैकेंसी। अकाउंटेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी है 1-1। अब क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। PGT के लिए जो है मास्टर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में और BEd में भी आपका
50% मार्क्स होने चाहिए। टीजीटी के लिए जो है ग्रेजुएशन के साथ में बीएड 50% मार्क्स के साथ में आपका होना चाहिए। अगर आप हायर क्वालिफिकेशन गेन किए हुए हैं तो और भी अच्छी बात है, बाकी ग्रेजुएशन के साथ में बीएड 50% मार्क्स के साथ में। पीआरटी के लिए ग्रेजुएशन के साथ में, पीआरटी में भी जो है 12th नहीं मांग रहे हैं, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ में 2 साल का आपने डीएलएड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि आपको जो है 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स रहता है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो वो आपको करना होगा 2 सालों के अंदर। अगर आपका यहाँ पर जो है इस पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स जो है वो कर लेना है, अगर आप बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है, तो इसमें भी जो है बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर में इसमें 12th के साथ में 12th में 50% मार्क्स, आपके पास जो है एनटीटी कोर्स होना चाहिए, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स, या और भी है कि 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। प्री प्राइमरी टीचर एक्टिविटी टीचर के लिए तो यहाँ पर आपका जो है अनुभव नॉलेज ये ज़रूर मांगते हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आपने 15 साल का अनुभव जो है इसमें चाहिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो है ग्रेजुएशन और 10 साल का जो है आपका क्लर्क की पोस्ट पर आपने काम किया हो, और ये वैकेंसी जो है वो आर्मी पर्सन के लिए है। इसमें जो है 40 साल तक के जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, कोई अनुभव नहीं है, तो 40 ईयर इसमें एज रहेगी, चाहे आप प्री प्राइमरी, प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी किसी के लिए भी आप आवेदन करना चाहें, ठीक है, तो कोई अनुभव नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अभी हेडमिस्ट्रेस के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने वहीं पर दे दिया नोटिफिकेशन के नीचे, बट इसमें जो है नीचे नहीं दिया है, तो यहाँ आपको AWVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, इस पर जाना है, आप जो है गूगल पे सर्च कर लेंगे www.aws.com, ठीक है, और आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है 250 का बनाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़, पेबल एट पानागढ़, ठीक है। इसमें जो है 26 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। तो ये पूरी जो है इन्फॉर्मेशन थी, और वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल पानागढ़, और ये कहाँ है, पूर्वा वर्धमान वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल की ये वैकेंसी है। किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहाँ आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे। थैंक यू।